and students keep remember one thing that man is a social animal okay he cannot achieve things alone on a road to success there are always we not me okay so we have uh, to be patient with others okay we have to behave very good with others so that they can help us but aslan did not uh, do uh, his good with others and he misbehaved with them but aisha recognized his uh, his matter and he resolved it she, uh, and she uh, uh, and she gave him a book uh, to write about the quality of the holy prophet peace be upon him okay so she helped him okay so now here the अजलान जो है वो अपना काम नहीं करता अपनी लेजीनेस की वजह से और जब बाकी बच्चे उससे पूछते हैं कि आपने अपना काम कर लिया है तो वो मिसबिहेव करता है वो, वो अपनी लेजीनेस को छुपाने के लिए अपनी सुस्ती को छुपाने के लिए लेकिन इस मामले में जो है आयशा बड़े सब्र और तहमल से काम लेती हैं हालांकि अजलान ने उसके साथ मिसबिहेव किया था लेकिन आयशा बड़े सब्र और सब्रमल्ल का मुजाहरा करते हुए उसे एक बुक देती है कि इस बुक को पढ़ो इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी अब अपना प्रोजेक्ट अपना टास्क कंप्लीट करने में ठीक है अब क्या है अब आयशा रिप्रेजेंट्स हर सेल्फ अ गुड वन के गुड स्टूडेंट सो हमें भी अपने अंदर पेशेंस को लेकर आना चाहिए ठीक है हमें अपने न, ना सिर्फ किताबों तक ये सिर्फ स्टूडेंट्स uh, पढ़ने के लिए नहीं होता हमें इसको अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना होता है ठीक है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलों में सब्र तहमल से काम ले आगे बढ़ सकते हैं ठीक है अब इस पेज को पढ़ें इधर तक इसकी रीडिंग करें ठीक है नेक्स्ट है लेट्स टॉक व्हाट वैल्यूज़ डू वी नीड टू कंसीडर वायर वर्किंग इन अ ग्रुप वो कहता है कि हमें एक ग्रुप में काम करते हुए एक ग्रुप में काम करते हुए किन इकदार किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है कि उनको हम अपने अंदर लेकर आएँ सबसे इंपॉर्टेंट तो सब्र तो हम बोल होता है ठीक है पेशेंस नेक्स्ट है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव पेशेंस स्पेंड वर्किंग विद फ्रेंड्स कि दोस्तों के साथ काम करते हुए हमें पेशेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है सब्र की जरूरत क्यों पड़ती है ये इतना अहम क्यों है वट वुड यू डू इफ़ यू वर इन अजलान्स प्लेस वो कह कह रहा है कि अगर आप अजलान्स की जगह होते अजलान की जगह होते तो आप क्या करते ठीक है अब इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ना है और इसके आंसर्स आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली सोचने हैं ठीक है ठीके? इनके बारे में Uh, जो है बैठ के सोचना है ठीक है और खुद और अपने जो है ख़ुद से आंसर आप लोगों ने बनाने हैं ठीक है जस्ट थिंक अबाउट दैट ओके डोंट राइट दीज क्वेश्चन ऑन योर नोट बुक नाउ योर टास्क इज़ यू विल रीज द पेज नंबर टू टिल दिस वन पैराग्राफ ओके एंड दिस थ्री क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट दैट टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़